प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। बीते 5 दिनों से प्रदेश में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज सामने आ रहे हैं। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 5300 के पार पहुंच चुकी है और साथ ही मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। हालांकि प्रवासी लोग बड़ी संख्या में पॉजिटिव मिल रहे हैं, जो अब बढ़कर 588 हो गए हैं। ऐसे में प्रवासी लोगों के पॉजिटिव मिलने के मामले को लेकर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने ये बताया कि प्रदेश में आने वाले प्रवासियों की स्क्रीनिंग कर चिकित्सा विभाग की ओर से प्रशासन के सहयोग से उन्हें क्वारंटाइन करने का काम किया जा रहा है। हमारे माइग्रेंट लेबर जो दूसरे राज्यों में थे या जो प्रवासी राजस्थानी हैं, जिनको इस महामारी के चलते हुए एक बार अपने घर आने की इच्छा थी, अब लाखों की संख्या में वो लोग आए हैं, आ रहे हैं या भविष्य में आएंगे, तो ये संभावना ही लग रही थी, क्योंकि सर्वाधिक जो हॉटस्पॉट है, इफेक्टेड जोन्स है, जिसमें बम्बई है, आपके अहमदाबाद है, सूरत है, इन जगहों से जो लोग आ रहे हैं, तो पॉजिटिव केस बढ़ने की संभावना तो थी पहले से ही, और इसीलिए केसेस भी बढ़ रहे हैं। अब ये जो पिछले 6-7 दिन में 550 केसेस तो वही बढ़ गए जो लोग बाहर से आए हैं। लेकिन चिंता की बात इसलिए नहीं है कि जिस ढंग से मुख्यमंत्री जी ने मॉनिटरिंग की है, चाहे होम क्वारंटाइन में रखने की बात हो, चाहे इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की बात हो, चाहे कोविड केयर सेंटर्स बनाने की बात हो या कोविड हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट करने की बात हो, पूरे राजस्थान में पूरी ब्यूरोक्रेसी युद्ध स्तर पे और उनके साथ मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम और हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, सब लोग एक समन्वय के साथ ज्यादा से ज्यादा क्वारंटाइन फैसिलिटीज राजस्थान में कैसे डेवलप हो, ताकि 14 दिन का आइसोलेशन अगर हम सफलतापूर्वक कर पाते हैं, तो ये जो पॉजिटिव केस अगर आ भी गए तो ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। अभी भी अगर हमारे यहाँ 5000 लोग पॉजिटिव के रूप में सामने आए हैं, तो 3000 से ज्यादा लोगों को हमने पॉजिटिव से नेगेटिव किया, तो हमारी रिकवरी की रेट कंट्री की रिकवरी रेट से दुगनी है। 60% से ज्यादा रिकवरी राजस्थान में हो रही है।